नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और यकीनन आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा एक महिला का ऑडियो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें महिला रोते हुए बता रही है कि उसका शव जंगल में लटका है, देख जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मरी हुई महिला कैसे बात कर सकती है, तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है ये पूरा मामला। दरअसल वायरल ऑडियो में निशा नाम की महिला फोन पर अपने भाई से बात कर रही है। वो रोते हुए कह रही है कि उसका शव जंगल में लटका है, देखो जाओ। वहीं इसी नाम की महिला की कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज होने पर कोतवाली पुलिस की रातों की नींद उड़ गई है। वायरल ऑडियो में महिला अपने भाई से रोते हुए कहती है कि डिग्गी निवासी सतीश ने पैसे लेने के लिए चार लोगों को बुलाया था। दो लोग उसे गाड़ी में ले गए, उसे मार कर जंगल में टांग गए और उन्होंने मेरी दशा बिगाड़ दी है। इस पर युवक कहता है कि मैं हमीरपुर आ रहा हूँ। कोतवाल दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को सदर कोतवाली में काशीराम कॉलोनी निवासी बुलबुलिया ने तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसकी पुत्री निशा 15 दिसंबर को अपने भाई मुकेश के खाते में पैसा डालने को कहकर निकली थी, फिर वो घर नहीं पहुंची। वहीं उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। आपको बता दें कि महिला का भाई दिल्ली में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि मेरी जिस महिला से बात हो रही थी वो मेरी बड़ी बहन है। निशा उसके ऊपर सवार होकर आई थी, जिसने पूरी घटना बताई है। निशा के मोबाइल से जिस नंबर पर सबसे अधिक बात हो रही है उसका डाटा पुलिस खंगाल रही है। वहीं पुलिस ने डिग्गी में रहने वाले सतीश की तलाश में भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।